बालाघाट जिले में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे सबसे ज्यादा मुश्किलें किसानों को आ रही है। जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। वहीं किसानों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि हमारी फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराकर कुछ मुआवजा दिया जाए तो हमें थोड़ी राहत मिलेगी। यदि उन्हें सही मुआवजा नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में किसान आत्महत्या करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। एक दिन पहले भी हुई थी तो वो नॉर्मल थी, लेकिन कल जो 4:30 बजे के समय में जो ओलावृष्टि हुई है वो भयानक हुई है। इसके पहले भी होती थी, पर जो कल हुई है वो इतनी घनी हुई है कि धान की फसल, गेहूं की फसल, चना की फसल, राई की फसल 80% प्रभावित हो चुकी है। कल जो ओलावृष्टि हुई इसमें लगभग हमको 15 से 20 गाँव में क्षति होने की सूचना प्राप्त हो रही है। प्राथमिक तौर पर सभी जगह पर दल गठित करके मतलब राजस्व विभाग, पंचायत विभाग एवं कृषि विभाग तीनों के लोगों का दल गठन करके समय जगह सर्वे कराया जा रहा है एवं आज जैसे जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है सबको साथ में लेकर के सर्वे हेतु सबको बताया गया है कि स्थानीय सरपंच, उप सरपंच या जनपद अध्यक्ष या जो भी स्थानीय प्रतिनिधि मिल जाए सबको लेकर के वो अपना सर्वे करें। मेरी फसल और मेरा गेहूँ चना ये सब बर्बाद हो चुका है सर। अब इस बीच में मैं क्या करूं? अब शासन कुछ मुआवजा ना दे दे। मेरे खेत में रबी है, गेहूं है, चना है, सरसों है, धना है,